अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। हरिद्वार के नमामि गंगे चंडी घाट पर संत रविदास की मूर्ति तोड़ने पर बवाल, कांग्रेस विधायक ने की कार्रवाई की मांग तो पुलिस ने लगवाई नई प्रतिमा। उत्तराखंड के धर्मनगरी हरिद्वार के नमामि गंगे चंडी घाट पर लगी संत रविदास की प्रतिमा के खंडित करने की घटना से बवाल मच गया है। कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने जिलाधिकारी एवं पुलिस उच्चाधिकारियों को शिकायत कर ऐसा करने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। इस शिकायत के बाद स्थानीय पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए चंडी घाट पर संत रविदास की नई प्रतिमा स्थापित करवा दी है। शुक्रवार को कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने पदाधिकारियों के साथ संत मूर्ति की स्थापना और माल्यार्पण किया। विधायक ममता राकेश ने कहा कि संत प्रतिमा की विडंबना उनकी महानता का अपमान है। उन्होंने ऐसी घटनाओं को रोकने घाट पर CCTV कैमरा लगाने की भी मांग की। वहीं मूर्ति अवमानना पर रोष जताते हुए युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अमरदीप रोशन ने शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर देते हुए चेतावनी दी कि यदि दलित संत का दोबारा अपमान हुआ तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। वरिष्ठ नेता सतीश कुमार एवं रोशन लाल ने भी घटना की निंदा की। मैं ये कहना चाहती हूँ कि महापुरुष किसी एक जाति से बंधा हुआ नहीं होता। महापुरुष और संत सर्व समाज के होते हैं। हम इस संबंध में सभी समाज के ऐसे लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी और महापुरुषों के प्रति श्रद्धा का और विश्वास का भाव उन्हें रखना होगा। जल्द से जल्द सरकार और प्रशासन के अधिकारी उनकी गिरफ्तारी करें जिन लोगों ने इस घृणित कार्य को किया है और उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करें। और सरकार से ये मांग करती हूँ कि इस तरह जहाँ भी हमारे महापुरुषों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति हो, पूर्व में भी ऐसे कई प्रकरण हो चुके हैं जहाँ प्रतिमा को खंडित करने का कुकृत्य ऐसे सामाजिक तत्व करते रहते हैं, तो यहाँ पर CCTV कैमरे लगाए जाने चाहिए और उनकी सुरक्षा की मांग सरकार से करती हूँ ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे देश के लगभग सबसे प्रकांड और विद्वान संत हुए हैं श्री गुरु रविदास जी, जिनकी विचारधारा का आज तक कोई तोड़ नहीं है, जिनके विचारों का आज तक कोई विरोधी नहीं हुआ। उन्होंने हमेशा ही समाज में समानता की, एकता की और बराबरी की विचारधारा पर बल दिया है। तो ऐसी विचारधारा को जो लोग नहीं मानते हैं, जो बराबरी नहीं चाहते हैं, वही लोग हैं जो मूर्ति खंडित करने का काम करते हैं, जो महापुरुषों का अपमान करने का काम करते हैं। और हमारा ऐसे शरारती तत्वों के लिए यही संदेश है कि वो एक समाज विशेष की भावनाओं को भड़काने का काम ना करें, उन्हें आक्रोशित करने का काम ना करें। नहीं तो यदि ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं टकराव में बहुत नुकसान भी हो सकता है। हमारा शासन प्रशासन से निवेदन है कि जहाँ कहीं महापुरुषों की ऐसी मूर्तियाँ स्थापित हैं या ऐसे स्मारक हैं, उनकी निगरानी का बंदोबस्त प्रशासन करे। और ऐसी जैसे कि यहाँ ये मूर्ति है, मैं प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इसकी फेंसिंग की जाए और चारों तरफ से कांच से कवर किया जाए। आज भी हमारे देश में दलितों को या संत श्रोमणि गुरु रविदास जी की विचारधारा को स्वीकार नहीं किया जा रहा, तो आज भी दलित को इस देश में स्वीकार नहीं किया जा रहा, जबकि इस देश के संवैधानिक पदों पर बड़े बड़े पदों पर दलित समाज के व्यक्ति हैं। लेकिन अगर वह किसी मंदिर में चले जाते हैं, उस मंदिर को दूध से धोया जाता है, गंगा जल से धोया जाता है, तो मैं यही समझता हूँ कि गुरु जी की जो विचारधारा है उसे आज भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं लोग। उसी खंडित विचारधारा के लोगों ने मूर्ति को, संत श्रोमणि गुरु रविदास जी की मूर्ति को खंडित करने का काम किया और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। यदि भविष्य में ऐसी घटना हुई तो प्रशासन को दलित समाज का घोर विरोध झेलना पड़ेगा। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि गुरु जी के सम्मान की रक्षा करें। वैसे तो सदियों से हमारे महापुरुष, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हो, रविदास जी हो, इनकी मूर्तियों का असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ा गया, लेकिन ये बहुत ही घृणित कार्य है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी तो एक ऐसे संत हुए जो दलित समाज के साथ साथ सर्व समाज के संत हुए, क्योंकि उसके दो जीते जागते प्रमाण हैं। एक तो मीराबाई जी, जो मीराबाई जी ने रविदास जी की भक्ति भावना से प्रसन्न होकर के उनकी शिष्य बनी, और दूसरी स्वयं पतित पावनी माँ गंगा जी, जिन्होंने प्रकट होकर के गुरु रविदास जी की बात को सुनने का काम किया। तो ऐसे में गुरु रविदास जी पूरे समाज ही, भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व के एक गुरु हुए, महान संत हुए। तो ऐसे में अगर उनके साथ इस तरह की भावना होती है, बहुत ही दुख भरी कहानी है। तो मेरा शासन प्रशासन से यही मांग और निवेदन है कि इस ठिए को पक्का करके यहाँ की जो मूर्ति लगाई जाएगी उसको फिक्स करके लगाई जाए ताकि दोबारा से इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। बता दें कि संत रविदास दलित समाज के महान संत हैं। उनकी मूर्ति की विडंबना से समाज में काफी रोष था।
हालांकि स्थानीय पुलिस की सूझबूझ से यह मामला शांत हो गया है। उम्मीद है कि संत की यह नई प्रतिमा दूषित मानसिकता वालों को नफरत की बजाय सम्मान के लिए प्रेरित करने में सफल रहेगी। नरेश तोमर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।